आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑन द स्क्रीन, द पोजिशन ऑफ स्क्रीन शुड बी, सो इसमें पैरेलल टू द कॉनकेव मिरर, परपेंडिकुलर टू द कॉनकेव मिरर, इंक्लाइंड इन द एंगल एंड इन एनी डायरेक्शन। सो इसको अपन एक डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लेट सपोज जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है लेट सपोज, ठीक है, और कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इसके फोकस पे, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, अपन को पता है कि इमेज इसके परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इमेज की डायरेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सो अगर अपन को क्लियर और शार्प इमेज चाहिए, तो जो स्क्रीन होगी वो भी अपन को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, ताकि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उस पर परफेक्टली जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी आए, ठीक है। सो इसका आंसर इसीलिए परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर की डायरेक्शन भी देखो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, और इमेज की भी, सो स्क्रीन की भी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉनकेव मिरर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।